भाई ये विलन लग रहा है इस वक्त। भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये मूवी का सीन लग रहा है इस वक्त। हेलो दोस्तों, आज देखने वाले वन पीस का एपिसोड 1114। और मुझे पता है बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम हो गया, लास्ट जब मैंने वीडियो डाली थी तो मेरी MBA स्टार्ट होगी और एक के बाद एक चीज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बिजी था। चलो आके और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज इस एपिसोड देखते हैं। यहाँ पे खत्म हुआ था ना, अब गार्ड की एंट्री होने वाली थी। एक मिनट, ये क्या है? अच्छा बाकी भी तो आ रहे थे, वो मरीन वगैरह। हाँ जी, ये क्या बकवास हुई है? तो गार्ड की बावरी होती कितना अजीब लगता। नहीं, इसकी बावरी मुझे याद क्यों नहीं? क्या नाम नहीं बताया मुझे? ये बारी ये वही है ना जिसका कुछ रूमर टाइप आए थे, या काइनू की कुछ है बेटी बेटी ऐसी कुछ था रही। ये बड़ी ओपी सी चीज है, सारे नेवी वाले यही दे दो, एक गन्स पकड़ा रखी फालतू से, ज्यादा खाम की नहीं है। ये लाइक कोई करते हैं कि इसको इतनी सलमावर आ रही है। एक पेन के टॉय के शॉट्स, ये वो है ना प्रिंस। इस टाइम ने कुछ देखा है तक प्रिंस का? इसको पहले भी दिखाया था। टेकरी वाला नहीं, ये कोई और है। इसका फ्रूट क्या है? ग्लोब फ्रूट। हाँ क्ले मैन, वही क्ले वाला है ना। ये तो गार पाए भाई, ये इसमें कौन इंटरेस्टेड है? चाहे विफ पे पाली, ये मुझे इंटरेस्टिंग था, मस्त था, मतलब देखने में मजा आया था। विफ पे क्ले तो चलो नॉर्मल हो गया, और फ्लावर वाला तो रियलिस्टिकली बाकी हो गया कंपैरिजन में कितना घटिया। ये कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ मुझे विफ कर लो वाली बकवास। ये अगर इस एपिसोड में नहीं हुआ तो भाई इतना टाइम वेस्ट लगेगा ये एपिसोड। ये गार्प आप लोग देखेंगे जो ये मरीन फोर्ट में कर सकता था, मतलब क्या कर रहा है ये, कितना सेक्सी तरीका है। किसी ने भी तो हमने किसका देखा है ऐसे करते हुए, मतलब यहाँ की बाकी जो भी इसने यूज करी है यहाँ पे, वो एयर प्रेशर का जो भी चीज करी। ये लूफी नहीं करते, लूफी नहीं कर सकता है। हाँ पक्का कुछ लाइकिंग वाइकिंग का चल रहा है इनका। ये ओहो आ गया गार्ड, ये अब मजा आएगा ना, ये मुझे देखना है। तो फटने जाए बंदे ऊपर से शिप आ रही है उड़ते, यार उसकी उसकी याद दिला रहे हैं मरीन फोर्ट में लूफी आया था, ऐसे आया था अजीब से ऊपर से तरीके से। दिखा रहे हैं सीढ़ी है यहाँ पे, ये भी है, सारे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कौन कौन है बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये नॉर्मल लोग साल में आते ना रिटायर। कितने लोग सोच रहे हैं जब एस था तब ये एनर्जी कहाँ थी? ऑब्वियसली कितना अलग है ना सब। और आज सेंस बनती है, मैं वो नहीं कह रहा, मुझे पता है वो नेवी वो एक साइड है, वो पायरेट है वगैरह वगैरह, मजाक कर रहा था, वो सीरियस हो जाए। ये कॉन्कर था कि देख रहे बंदे ही। ओए होए चल भाई, देख रहे भाई चल चलते हुए हाकी देख रहे, सिर्फ चल रहा है भाई। ये कौन सी टाइप की हाकी है जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? वैसे खत्म कर दे वाला पूरा आइलैंड को, अरे को भी देख रहे यार, यहाँ पहुंचना एक दिन भाई से भाई। देख रहे ये तो कोबी को इसके तो वैसे भी अटैचमेंट है ना उससे भाई। मूवी का सीन लग रहा है इस वक्त, सीढ़ी भी देख रहा है, मैं नहीं लड़ने वाला इससे। हाँ तभी तो हम लोग ये नहीं समझेंगे। भाई ये विलन लग रहा है इस वक्त। भाई ये क्या हो रहा है?
भाई ये ऐसे अटैक अभी तक कोई देखा है वन पीस में? आस पास भी नहीं आता। अभी नहीं 80 साल का और ये कर रहा है मतलब। ये गैलेक्सी इंपैक्ट भाई पूरा आइलैंड खत्म भाई मतलब ये। और इसकी प्राइम नहीं है सोचो भाई साहब, भाई पूरा आइलैंड खत्म और ये सिर्फ हॉकी है अभी तो। डेविल फ्रूट भी नहीं है बंदे के पास। 80 साल नो हा भाई साहब, इतनी अच्छी एनिमेशन है इस वक्त। ये देखो ये बड़ी फोटो में कर सकता था ये भाई पूरा भाई। इस वक्त विलेन यही लग रहा है 100%। कितनी अच्छी एनिमेशन थी सब ऑडियो देखो कितना ज्यादा पोर्शन आइलैंड का विदाउट डेविल फ्रूट। हाय लहन भी कितना सेक्सी कर रहा है। ये इतना अच्छा एनिमेट करा है इन्होंने। पर्सनली मुझे ये अटैक ज्यादा पसंद है डिवाइन डिपार्चर से, मतलब 1000 गुना ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। वाग वाग ऐसा लगे ना मतलब कौन सी वो टाइप हुई है कि एक बंदे से एक अटैक करा है अभी तो बताया उसने। और मतलब मुझे गोपी चला नहीं पसंद सच्ची था तो कूल है ले, लेकिन वो गार्ड के अटैक के बाद मजा नहीं आया। ये देखो तबाही देखो एक अटैक से ऊपर वो पहली बार देख रहे हैं हम नेवी को धमका करते हुए, वरना पता नहीं फालतू बकवास कर रही होती है। और देखो वही तो 80 साल के ऊपर भी सैटिस्फाइड नहीं है। वही तो सोचो बंदे का प्राइम होता तो खत्म थे सारे लोग अगर उसका प्राइम होता। ये कितना इम्प्रूव हुआ है कैरेक्टर, कितना अलग था यार फर्स्ट स्टार्टिंग के एपिसोड में। इसके बोलने का स्टाइल भी मतलब उल्टा क्या सोच रहा था लिखते हैं भाई भी नहीं आती इससे कसम से ना, इससे ना गोभी से दोनों से ही नहीं आती एडमिरल वाली भाई। काम तो मुक्का मार के कर सकते हैं। आओकी जी आओकी जी तो फिर गार्ड लेवल आ गया ना, खासकर बुड्ढे गार्ड की बात कर रहा हूँ। कितना हार्ड है आओकी जी के लिए लोग समझते नहीं। यहाँ पे क्या दोनों साइड में समझ भी नहीं आता किसको सपोर्ट करूँ क्योंकि मुझे आओकी जी बहुत पसंद है ना। मेन है आओकी जी है यार इस आइलैंड पे। आओकी जी ना होते ना इतने आसानी से निकल जाते, आओकी जी है ना कितना टफ है सारे दोनों के लिए स्टूडेंट टीचर। मेरा सबसे हार्ड शॉट आओकी जी के लिए है क्योंकि सारे उसके क्लोज कह रहे हैं बेचार जी। सारा कुछ अकाइनू की वजह से हुआ, गोबर वो जीता था ना उसमें फाइट में। तो गार को भी पता यार कूजा ना मतलब उसका फेवरेट स्टूडेंट टाइप भी था ना। मेरे को देख रहे कि पूरी उस साइड चला गया है मतलब सारे उसके लिए चेयर कर रहे हैं ना। क्या यार बेचारा, अरे है भी अच्छा गुजान। हाँ यही तो यही इसी से तो पूरा बेचारे का सब खराब हुआ है कुजान का। कोई बात मैं इसको ब्लेम नहीं करता, मैं भी उसके अंडर नहीं रहना चाहता अकाइनू क्यों, खासकर अगर मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे लगता है मैं डिजर्व वगैरह करता हूँ। ये नहीं दिखाई इन्होंने, इतनी अच्छी फाइट होती है चाहते तो ये होनी चाहिए थी काइडो और लूफी जितनी बड़ी फाइट जो हमें दिखाते हैं ना मजा आता। बिना विनर बताया अब तो उतना मजा नहीं आएगा। थोड़ी सी इतनी सी मर्जी थी ना बस वो दिखा दी उसने। मेरे को तो अभी भी लगता है इसका कुछ सीक्रेट टाइप है और ये बस बकवास है मतलब। तो दिखा रहे ब्लैक बियर्ड और ये कैसे मिले आओकी जी। चल लोगों को मारे बढ़ रहा था क्या सारे भाग गया हो किसी से के ब्लैक बियर्ड के लोग भाग रहे हैं, नॉर्मल लोग क्यों भाग रहे हैं।
इससे तो ब्लैक वीडियो भी नहीं लड़ना चाहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग है बंदा। और जीत भी रहा होगा तो काफी मुश्किल से जीतेगा ब्लैक वीडियो। अरे वो इतनी इजीली इन सबको मतलब यू खत्म कर दिया। चाहता तो वही मार सकता था इन सबको। पेसिंग भी अच्छी थी, एनिमेशन तो बहुत ही अच्छी थी, खासकर उस पोर्शन के लिए जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ अच्छा एपिसोड था, आर्क और अच्छी होती जा रही है जैसे देख रहे सब। अभी काफी अच्छा एपिसोड था, बाकी बहुत टाइम हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ आउटर में। तो वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, तो देने थैंक यू, बाय बाय।